नमस्कार। जनपद मुजफ्फरनगर शहर के वासियों के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है कि शहर में कल से एक अभियान चलाया जा रहा है ट्रैफिक अतिक्रमण को हटाने के लिए व ट्रैफिक स्थिति को सुधारने के लिए, जिसमें समस्त रेहड़ी वालों को फूल, फल, सब्जी, चाट इत्यादि को एक सिंगल जगह पर वेंडर जोन के तहत शिफ्ट किया जा रहा है। उन्हें प्रमुख चौराहों और रोड से हटाया जा रहा है, लेकिन हटा के एक अच्छी जगह पे सेट किया जा रहा है ताकि वो वहाँ से अपनी बिक्री कर सकें और पब्लिक को भी सहूलियत रहे और वो एक ही जगह से अपना सारे कार्य कर सकें। इसी के साथ साथ समस्त दुकानदारों को भी मेरा ये अनुरोध है कि यदि आपने अपनी दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कर रखा है तो स्वयं ही उसको हटा लें। आज मीनाक्षी चौक के आसपास के क्षेत्र में पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो अवैध कंस्ट्रक्शन करा गया था उनको तोड़ा गया है और ये प्रक्रिया आने वाले समय में शिव चौक, उसके आसपास के मार्केट एरियाज, अस्पताल तिराहा, महावीर चौक व शहरी क्षेत्र के अन्य जो चौराहे हैं उन पर भी करी जाएगी। और जो मार्केट एरियाज में दुकानें हैं जहाँ पे अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है या दुकान के सामान को बाहर रख के रोड को छोटा कर दिया गया है, उन सबको भी चेतावनी है और मेरा अनुरोध है कि अपनी व्यवस्था को स्वयं सुधार लें, अन्यथा पुलिस और प्रशासन को उसमें कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ मेरा सभी नगरवासियों से ये अनुरोध भी है और ये सूचना भी है कि आज से आप देखेंगे कि सभी रोड्स के किनारे पर एक सफ़ेद पट्टी आपको दिखाई देगी। वो सफ़ेद पट्टी इस बात का सूचक है कि आप रोड के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी करके उसको पार्किंग बना के कोई भी खरीदारी करने नहीं जाएंगे। शहरी क्षेत्र में क्रेन्स की व्यवस्था अलग से करी गई है और आज आप देख भी रहे होंगे कि शिव चौक और उसके आसपास के सभी शहरों में अगर कहीं भी रोड के ऊपर हमें कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी तो उसको बिना पूछे टो कर लिया जाएगा, उसको सीज करा जाएगा और बाद में उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। आपको अपनी गाड़ी लगानी है, आप पार्किंग की व्यवस्था में लगाइए या किसी ऐसी जगह लगाइए जो रोड पर ना हो। किसी भी व्यक्ति को रोड पर मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी करके उस क्षेत्र के समस्त नगरवासियों को परेशान करने का अधिकार नहीं है। तो ये सफ़ेद पट्टी और रोड का किनारा जहाँ भी हो उसका ध्यान रखें और अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल को कृपया करके रोड पर न लगाएं, नहीं तो उसका जो खामियाजा है वो भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये संपूर्ण व्यवस्था पुलिस और प्रशासन द्वारा जनपद और शहर के लोगों के ट्रैफिक की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, बेहतर करने के लिए बनाई जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग इसमें साथ देंगे और ये ध्यान रखें कि कोई भी अतिक्रमण या ऐसी कार्रवाई न करें जिसके लिए हमें आपके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। पुलिस का सहयोग दें, प्रशासन का सहयोग दें, हम शहर की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए ही ये प्रयास कर रहे हैं और आपकी मेहनत, आपके साथ और आपके विश्वास के बगैर ये कराया जाना संभव नहीं है। तो कृपया इसमें हमारा साथ दें और नियमों का पालन करें। धन्यवाद।